हेलो एंड वेलकम दोस्तों, मैं मिस्टर खान और आप देख रहे हैं डिजिटल बीआर यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कोई भी फोन हम परचेस करते हैं, खरीदते हैं, खरीदने के बाद दोस्तों 2-4-10 दिन चलाने के बाद हमारा फोन हैंग होने लगता है, हीट होने लगता है। तो ऐसा क्यों होता है दोस्तों? जब तो हम खरीदते हैं मोबाइल हमारा सही होता है, आफ्टर सम टाइम आफ्टर सम यूज हमारा मोबाइल में प्रॉब्लम आना स्टार्ट हो जाता है। हीटिंग की प्रॉब्लम तो आम हो गई है और हैंगिंग की प्रॉब्लम भी आम हो गई है। तो ऐसा क्या रीजन होता है कि हमारी फोन में ऐसी प्रॉब्लम आती है? तो दोस्तों इसकी एक ही रीजन है जो कि हमारे फोन के पीछे यानी बिहाइंड ऑफ फोन जो भी प्रोसेस होता है वो हम नहीं देख पाते। जैसे कि कंप्यूटर में बिहाइंड ऑफ कंप्यूटर यानी डॉस में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में जैसे होता है, वैसे ही बिहाइंड ऑफ एंड्रॉइड यहां पे भी कुछ एक्टिविटीज ऐसी होती है जो हम नहीं देख पाते और उसी के वजह से हमारा फोन स्लो हो जाता है और साथ ही साथ हीट भी हो जाता है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं इसी के बारे में बताने वाला हूं कि कैसे आपको पता चलेगा आपके फोन के पीछे कितनी एप्लीकेशन अभी भी रन कर रही है, जो आपने पहले उसे अनइंस्टॉल कर दिया है या फिर उसे आपने स्टॉप कर दिया है या उस एप्लीकेशन को आप यूज नहीं करते हैं जब भी आपके एप्लीकेशन वो रन कर रहा है। तो उसे कैसे आप चेक कर पाएंगे, कैसे उसे क्लीन करेंगे ताकि आपका फोन हीट ना हो, ताकि आपका फोन हैंग नहीं हो। तो दोस्तों अगर आप भी जानना चाहते हैं ये टोटली चीजें तो मैं आपको टोटली चीजें इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं विद प्रैक्टिकल। तो बने रहिए इस वीडियो में और लास्ट तक देखिए इस वीडियो को। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों जैसा कि देखा गया है कि हमारा फोन कभी कभी हैंग हो जाता है, कभी कभी हमारा फोन हीट हो जाता है। ज्यादातर हम इंटरनेट यूज कर लेते हैं जब भी ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, ज्यादा हम कॉलिंग यूज कर लेते हैं जब भी प्रॉब्लम आ जाती है, और भी बहुत सारी चीजों करते समय ऐसी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ जाता है। तो इसकी प्रॉब्लम क्या होती है दोस्तों? क्या होता है, जो भी एप्लीकेशन पीछे रन करते हैं वो एप्लीकेशन काफी ज्यादा रन होने लगती है, रैम की कैपेसिटी को डैमेज कर देती है, रैम हमारा इनबैलेंस्ड हो जाता है, इसीलिए हमारा रैम प्रॉपर काम नहीं कर पाता, इसीलिए हमारे फोन हैंग होने लगता है। और के साथ ही साथ दोस्तों अगर ज्यादा लोड पड़ता है तो प्रोसेसर भी हीट होने लगता है, जिससे आपकी फोन हीट हो जाती है और हाई टेंपरेचर हो जाती है। तो दोस्तों उसके लिए आपको एक एप्लीकेशन की जरूरत पड़ती है। वैसे बहुत सारे फोन में इसकी सेटिंग भी आती है लेकिन बहुत सारे फोन में सेटिंग नहीं मिलती, इसलिए मैं आपको एप्लीकेशन के थ्रू बता रहा हूं ताकि आप एप्लीकेशन इंस्टॉल कर लेंगे प्ले स्टोर से। तो सबसे पहले हम प्ले स्टोर चलते हैं, प्ले स्टोर में ओपन करते हैं प्ले स्टोर को और यहां पर हम डालते हैं सबसे पहले ईएफ क्लीनर। जैसे ईएफ क्लीनर करेंगे आपको तीसरे नंबर पर एमपीटी फोल्डर क्लीनर के से आपको आ जाता है। इसे ऑलरेडी मैं इंस्टॉल कर रखा हूं, आप इसे इंस्टॉल कर सकते हैं। 4.2 की रेटिंग है और 10,000 लोगों ने इसे इंस्टॉल किया है। मेरे पास ये ऑलरेडी इंस्टॉल है तो मैं सिंपल इसे ओपन करता हूं। ओपन करने के बाद देखेंगे दोस्तों कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने ओपन होता है। तो आप इसे अलाउ करते हैं, मीडिया फोटो जो भी है, आपकी मोबाइल के बिहाइंड जो भी यहां पे काम हो रहे होंगे, जो भी एप्लीकेशन रन कर रहा होगा, टोटली यहां पे डिटेल आने वाला है। तो यहां पे आप स्टोरेज चेक कर सकते हैं, जैसे फिलहाल आप अपनी मेमोरी कार्ड का स्टोरेज चेक कर सकते हैं, अपनी फोन की स्टोरेज। फिलहाल मैं यहां पे फोन की स्टोरेज है क्योंकि मेरे मोबाइल में मेमोरी कार्ड नहीं है। तो यहां पे आपको स्टोरेज को सिलेक्ट करने के बाद आपको आपको क्लीन पे क्लिक करना है। जैसे ही क्लीन पे क्लिक करेंगे यहां पे देखेंगे वर्किंग लिखने लगा और वर्किंग लिखने के बाद यहां पे आपको दिखा दी जाती है कि देख सकते हैं कि कितने रन हो रहे हैं हमारे एंड्रॉइड फोन के पीछे एप्लीकेशन अभी भी, यानी 150 फोल्डर यहां पे रन हो रहे हैं हमारे फोन के पीछे। तो कैसे नहीं होगा हमारा फोन हैंग और कैसे नहीं होगी हमारी फोन हीट? तो दोस्तों यही रीजन है, ओनली वन यही थिंग है, वही रीजन है जिसकी वजह से आपकी फोन हीट भी होती है और आपकी फोन की रैम इनबैलेंस जाता है और आपकी फोन हैंग होने लगती है। तो इसे साफ करने के लिए सिंपल आपको क्लीन पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लीन पे क्लिक करेंगे दोस्तों ये क्लीन होना स्टार्ट हो जाता है। यहां पे देखेंगे नो एमपीटी सब फोल्डर्स, यानी कि अभी यहां पे कोई भी एमपीटी सब फोल्डर नहीं है, यानी कि टोटली ए टू जेड क्लीन हो गया है। अब आपका फोन एकदम क्लीन है, यानी कि यहां पे आपका कोई भी ऐसा एक्स्ट्रा डेटा नहीं है जो कि बिहाइंड योर एंड्रॉइड बिहाइंड योर मोबाइल वर्क कर रहा हो। अब आपका फोन जो है स्मूथली चलेगा, क्लीन चलेगा और आपका फोन थोड़ा सा खुद को रिलैक्स फील करेगा, इसलिए आपकी प्रोसेसर हिट नहीं होगी। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको पता चल गया होगा कि आपकी फोन हैंग क्यों होती है, आफ्टर सम टाइम आपकी फोन हिट कब होती है, आफ्टर सम टाइम क्या प्रॉब्लम होती है, और जो आपकी फोन के पीछे जो वर्क हो रहा है जिसे आप देख नहीं पा रहे हैं उसे आप इस एप्लीकेशन के थ्रू कैसे क्लीन करेंगे। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। ऐसे ही वीडियो लेके आते रहते हैं हम अपने चैनल पे, इसके लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए बेल के आइकन पर भी जरूर क्लिक कर दें ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सिंपली वो में मिलता रहे। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों, हैव अ नाइस डे।